कोतोको इनागावा 19 साल की है। अब कोतोको हाई स्कूल में आ चुकी है। कोतोको में बताती कि 2 साल पहले मैं एक हॉस्पिटल में गई थी, वहाँ पर मुझे कुरो साकुरा गावा मिला था। कुरो को देखकर ही मुझे पहली नजर का प्यार हो गया, लेकिन वहाँ की कुछ नर्सेज से मुझे पता चला कुरो की पहले से एक गर्लफ्रेंड है और उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन इस बात के पूरे 2 साल बीत चुके हैं, कुरो का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया। इस मौके को मैं कैसे जाने दे सकती थी। कोतोको कुरो के पास जाती है और कहती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? कुरो कहते हैं कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं। कोतोको याद दिलाते कि हम दोनों हॉस्पिटल में मिले थे, वैसे तुम्हारा हॉस्पिटल में क्या काम था? कुरो बताते कि मेरे कजन काफी ज्यादा बीमार है, मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में आया था। कोतोको कहते कि मैंने सुना तुम्हारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो मैंने लगता कि तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ डेट करना चाहती हूँ। लेकिन कुरो कहते कि हम दोनों बस अभी मिले हैं और मैं किसी मिडिल स्कूल की लड़की के साथ डेट नहीं कर सकता। और कोतोको चिल्ला कर कहते कि मैं हाई स्कूल में आ चुकी हूँ, वैसे तुम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ? और कुरो कहते कि हम दोनों एक बार रिवर के पास घूमने के लिए निकले थे और पानी के अंदर से कप्पा निकला। वैसे गाइस, कप्पा एक जापानीज भूत का नाम है। कुरो कहते कि उसके बाद से ही मेरी गर्लफ्रेंड साकी ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया और साथ ही वहाँ से जाने लगता है और कहते कि ये झूठ था, इस बात पे ध्यान मत देना। लेकिन कोतोको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर बताती है और कहती कप्पा ने तुम्हें देखा और तुम्हें देखने के साथ ही वहाँ से भागने लगा। और साकी सोच रही थी आखिर तुम कौन हो और कप्पा तुमसे डर क्यों रहा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद कुरो भी काफी ज्यादा शौक था। कोतोको कहती कि ऐसे कप्पा और अजीब क्रिएचर्स इस दुनिया में मौजूद होते हैं। जब मैं 11 साल की हुई थी, ऐसे अजीब क्रिएचर्स ने मुझे किडनैप कर लिया था और सभी क्रिएचर मुझे गॉडेसेस की तरह पूंज रहे थे और मुझे गॉडेसेस ऑफ विजडम बनाने के लिए मेरी एक आंख और एक मेरे पैर को काट डाला। और तब से ही मैं इन क्रिएचर्स की ऐसे ही मदद करती रहती हूँ। और ये सारी बातें बताने के बाद कोतोको बस में बैठकर वहाँ से जाने लगती है और तभी कोतोको के पास एक भूत आता है और कहते कि आप उस मॉन्स्टर के साथ क्या कर रही थी, वो मॉन्स्टर आपको खा जाएगा। और कोतोको कहते कि वो मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड है, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कोतोको कुरो के पास जाती है और कहती कि मुझे लगता कि तुम्हें मेरी सारी बातों पर यकीन नहीं है। और वहाँ पर एक मोटा सा लड़का दौड़ते हुए आता है और एक एनिमल में बदल जाता है। वो एनिमल कहते कि माय लेडी, लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, प्लीज हमारी हेल्प करो। और कोतोको कहते कि कुरो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। कुरो इसके लिए मान जाता है और दोनों ही लाइब्रेरी जाते हैं और वहाँ पर सचमुच एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था। वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और अटैक करने के साथ ही कुरो का एक बाजू खा जाता है। लेकिन कुरो का बाजू कुछ ही देर में रिजनरेट हो जाता है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर तड़पने लगता है क्योंकि कुरो का खून उस मॉन्स्टर के लिए बिल्कुल जहर की तरह था। कोतोको काफी ज्यादा शौक होती है और कहती कि आखिर तुम हो कौन। और कुरो बताते कि जब मैं 11 साल का था तो मैंने 2 अलग अलग योकाई का मीट खाया था। अगले दिन कोतोको कुरो से मिलती है और कहते कि तुम्हारे पास मॉन्स्टरों वाली पावर है, इसलिए वो भूत तुम्हें मॉन्स्टर कह रहा था। वैसे आज शाम को मैं एक जायंट सरपंच से मिलने के लिए जाने वाली हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? लेकिन इसके लिए कुरो मना कर देता है, इसलिए कोतोको अकेले ही जायंट सरपंच से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन कुरो ने भी कोतोको का पीछा किया था और वहाँ पर पहुँच चुका था। कुरो उन सभी की बातें सुनने लगता है और जायंट सरपंच कहते कि मेरे पास एक केस है, कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक औरत आई थी एक आदमी की बॉडी लेकर और दलदल के पानी में फेंक डाला। कोतोको कहते कि मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में सुना था, मरने वाला था योशिहारा हीरो 35 ईयर ओल्ड और उस औरत का नाम था तानियो ओई। तानियो ने सरेंडर कर दिया और कहा कि मैंने उस बंदे को मारा है। लेकिन अगर इस केस को डिटेल में देखा जाए, कुछ सालों पहले तानियो के एक बॉयफ्रेंड था माची, माची ने अपनी कोवर्कर के साथ काफी सारे पैसों का घोटाला किया था और सुसाइड कर ली थी। ये सारी बातें न्यूज़पेपर में छपी थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में किसी को नहीं पता। और ये खबर सुनने के बाद तानियो पूरी तरह से टूट गई थी और अपने घर चली गई थी और 2 साल अपने घर पर ही बिताया। लेकिन 21 अप्रैल को योशिहारा तानियो के घर गया था और सारी सच्चाई बता दी और कहा कि सारे पैसों का घोटाला उसने किया था। इन सारी बातों के बारे में माची और कोवर्कर को पता चल गया था, इसलिए योशिहारा ने कोवर्कर और माची को मार डाला और इस केस को इस तरह से दिखाया ताकि ये केस सुसाइड केस लगे। योशिहारा ने ये सारी बातें तानियो के इसलिए बता दी थी क्योंकि योशिहारा के साथ काफी ज्यादा बुरा हो रहा था। उसकी वाइफ और उसके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसको खतरनाक वाली बीमारी थी जिससे वो जल्दी मरने वाला था। योशिहारा को लगा कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि योशिहारा ने काफी ज्यादा गलत काम किया था, इसलिए योशिहारा ने पश्चाताप करने के बारे में सोचा और माची के भाई को फोन किया और माची के भाई से उसे पता चला माची की गर्लफ्रेंड भी है। इसलिए योशिहारा सीधे तानियो के पास पहुंचा और सारी सच्चाई बता दी और तानियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और योशिहारा को वहीं पर मार दिया और पुलिस को सरेंडर कर दिया। अगर तुम मेरी बात मानो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, असल में योशिहारा को मारने वाला माची का भाई था, लेकिन तानियो ने ये सारा इंजाम अपने सर पे ले लिया क्योंकि माची के भाई के पास अपना फ्यूचर था। तानियो ने पुलिस के बयान में बस ये बताया कि उसने योशिहारा को मार दिया और दलदल वाले पानी में फेंक दिया।
ताकि तानियो माची के भाई को बचा सके और कुरो भी सामने आ जाता है और कोतो को कहते कि तुमने पहले मना किया था पर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम भी यहाँ पर आ गए। जैन सरपेंट कहते कि उसने योशिहारी की बॉडी को दलदल वाले पानी में ही क्यों फेंका, उसका असली मकसद क्या था। कोतो को कहते कि इस केस के बारे में मुझे काफी ज्यादा डिटेल में पता है, जिस घर के अंदर तानियो रहती थी उस घर के अंदर क्रिएचर भी रहता था, उस क्रिएचर ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी। असल में तानियो माची के बच्चे की मॉम बनने वाली थी, लेकिन जब तानियो को पता चला कि माची ने उसे चीट किया है, तानियो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और उसका मिसकैरेज हो गया। तानियो इसके बारे में किसी को भी बता नहीं सकती थी, इसलिए तानियो ने उस बच्चे को ठिकाने लगाने के बारे में सोचा और दलदल वाले पानी में फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद तानियो को उसके बॉयफ्रेंड की मौत का असली सच पता चला और तानियो बहुत ज्यादा पछता रही थी। तानियो ने योशिहारा की बॉडी को दलदल वाले पानी में फेंका और साथ ही एक चाकू भी फेंका था और उसी चाकू से योशिहारा मरा था। और तानियो ने पुलिस को बयान में बताया उसने चाकू भी फेंका है और पुलिस वाले चाकू को दलदल में ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश की पर चाकू मिलने से रहा, पर तानियो ने असल में जानबूझकर चाकू को फेंका है और ताकि पुलिस वाले दलदल में चाकू को ढूंढने के लिए आए और उन्हें उस बच्चे की बॉडी भी मिल जाए। तानियो बहुत ज्यादा पछता रही थी, इसलिए तानियो उस बच्चे का अंतिम संस्कार करना चाहती थी। जैन सरपेंट कहते कि चाकू और बॉडी दोनों ही मिलने से रहे क्योंकि मेरे सारे साथी रोज नदी को साफ करते हैं। कोतो को कहते कि तुमने बिल्कुल सही कहा, केस बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। और ये सब कुछ करने के बाद कोतो को और कुरो दोनों ही कार में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, कुरो की एक्स गर्लफ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी थी। साकी कहते कि सिटी के अंदर एक अफवाह तेजी से फैल रही है, रात को एक भूत बड़े से रॉड को लेकर सिटी में निकलती है और उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखता था और वो लोगों को मारना शुरू कर देती है। लोग उसे स्टील लेडी नाना से कहते हैं क्योंकि कुछ महीनों पहले एक फेमस स्टार की मौत हो गई थी, उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का रॉड गिरा था और उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल गया था। उस फेमस स्टार का नाम नाना से था, लेकिन साकी का पुलिस पार्टनर होतो पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था और उसका मानना था कि इसके पीछे कोई बंदे का हाथ है। शाम को साकी अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन एक्सीडेंटली साकी को कोतो को मिल जाती है। कोतो को साकी को वार्निंग देती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है। और तभी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और सामने से स्टील लेडी नाना से निकलती है। कोतो को और स्टील लेडी नाना से के बीच काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन लास्ट में स्टील लेडी नाना से वहाँ से गायब हो जाती है। कोतो को साकी को देखकर पहचान जाती है और कहती है कि तुम तो कुरो की एक्स गर्लफ्रेंड हो। वो दोनों ही बातें करने के लिए साकी के अपार्टमेंट जाते हैं और कोतो को कहती है कि कुरो की नई गर्लफ्रेंड मैं हूँ और अपनी काफी सारी फोटोज दिखाती है। साकी कहती है कुरो का चेहरा तो काफी ज्यादा लटका हुआ है। कोतो को कहती है कि मुझे पता है तुमने कुरो से ब्रेकअप क्यों किया होगा, क्योंकि कुरो के जख्म अपने आप ही हील हो जाते हैं। इस चीज से तुम काफी ज्यादा घबरा गई होगी और तुमने उसे छोड़ दिया होगा, पर चिंता मत करो अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्योंकि हम दोनों एक जैसा ही है। तुमने देखा ही ना मैंने भूत के साथ फाइट की है। कोतो को कहते कि पता नहीं क्यों लेकिन कुरो कुछ हफ्तों से गायब है और उसने मेरे सारे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। और कोतो को जाने के बाद साकी नाना से के ऊपर काफी सारी रिसर्च करती है और तब साकी को पता चलता है जब नाना से 17 साल की थी टैलेंट एजेंसी के प्रेसिडेंट ने नाना से को सेलेक्ट कर लिया और कुछ सालों के बाद नाना से काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। नाना से की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन उसकी एक्सीडेंटली मौत हो गई और साकी को गूगल में एक वेबसाइट मिलती है। उस वेबसाइट के अंदर पूरी डिट्टू कॉपी स्टील लेडी नाना से की ड्रॉइंग बनी हुई थी। उस वेबसाइट के अंदर काफी सारी जानकारी मिलती है। नाना से की डैड की जब मौत हुई थी सिटी के अंदर एक अफवाह फैल गई थी नाना से ने अपने डैड को मरवा दिया है क्योंकि नाना से अपने डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नाना से के डैड के मौत के 5 महीने बाद नाना से के डैड का एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा था नाना से मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पता नहीं वो मुझे मारने की कोशिश भी कर सकती है। मीडिया वालों ने इंटरनेट पर यह खबर तेजी से वायरल कर दी, इससे नाना से को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। नाना से ने अकेले समय बिताने का फैसला किया। नाना से अकेले समय बिताने के लिए माकुरा जाका सिटी के एक होटल में रुकी। दूसरी तरफ कोतो को भी स्टील लेडी नासा के ऊपर रिसर्च कर रही थी और कोतो को स्टील लेडी नासा की वही वेबसाइट मिलती है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। कोतो के स्प्रिट के द्वारा साकी को एक इनवाइट भेजती है। स्प्रिट साकी से कहता है कि माय लेडी आपसे मदद चाहती है, उसने आपको पास ही के होटल में बुलाया है। कोतो को रेस्टोरेंट के अंदर काफी ज्यादा इंतजार करती है और एक लड़के की भूत से कहती है कि जब यहाँ पर साकी आए उसे कहना कि यहाँ पर इंतजार करना, कोतो को जल्दी आएगी और वहाँ से निकल जाती है। कोतो को जा ही रही थी और तभी उसे स्टील लेडी नाना से दिखती है और नाना से के सामने कोई और नहीं कुरो था। कोतो को के पीछे से साकी बह जाती है। नाना से कुरो पर बहुत सारे अटैक्स करती है पर कुरो सारे अटैक्स को डॉज करता है और नाना से अपने बड़े से रॉड से एक जोरदार अटैक करती है और कुरो का शरीर फोड़ डालती है, लेकिन कुरो इनमोर्टल था। कुरो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और नाना से के अटैक को डॉज करते हुए नाना से के पीछे आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कोतो को कहते कि कुरो इनमोर्टल है। कुरो की ग्रैंड मदर ने कुरो और कुरो के काफी सारे कजन को मरमेट और कुदान का मीट खिलाया था। मरमेट के पास
मोर्टेलिटी की पावर थी और कुदान के पास फ्यूचर दिखने की पावर थी। कुरो के काफी सारे कजन्स मारे गए और काफी सारे बहुत ज्यादा बीमार हो गए, लेकिन कुरो बिल्कुल ठीक था। उसके पास दोनों ही पावर आ चुकी थी, फ्यूचर देखने की भी और इनमोर्टेलिटी की भी। कुरो फ्यूचर तभी देख सकता है जब वो एक बार मर के जिंदा हो। कुरो की ग्रैंड मदर ने ये सब कुछ अपने फायदे के लिए किया था। कुरो नानासे को दर्द बुझता है और उसके गदर पकड़कर मोड़ डालता है। कुछ देर के लिए वहाँ पर एकदम शांति छा जाती है, लेकिन नानासे उठती है और उठने के साथ ही उसकी गर्दन भी सीधी हो जाती है और नानासे वहाँ से गायब हो जाती है। नानासे के जाने के बाद कुरो साकी के पास जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। साकी कहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर बन चुकी हूँ। उसके बाद वो सभी लोग साकी के घर पे होते है और साकी अपने कपड़े बदल रही थी। कोतो को कहती है कि कुरो तुम उसे घूर क्यों रहे हो जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास है। उसके बाद वो तीनों बैठकर इस टेल लेडी नानासे के ऊपर डिस्कस करते है और कोतो को कहते हैं कि काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चल चुका है इस टेल लेडी नानासे इमेजिनेशन से बनी हुई है। अगर तुम लोगों को समझाया जाए तो एक बंदा किसी चीज के ऊपर बात करता है और कहते कि मैंने भूत देखा जिसने मास्क पहना हुआ था, तो दूसरा बंदा दूसरों को बताएगा और वही बंदे अगले वाले बंदे को बताएंगे और सभी लोग इसके बारे में इमेजिन करने लगेंगे। यही होती है इमेजिनेशन की पावर। अगर बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही चीज को इमेजिन करेंगे तो रियलिटी में बन जाती है। तुम लोगों को पता ही होगा अफवाह सबसे ज्यादा कहां पर फैलती है। साकी तुमने स्टील लेडी नानासे की वेबसाइट तो देखी होगी। इस वेबसाइट की वजह से सभी लोगों ने स्टील लेडी नानासे को इमेजिन किया। नानासे मरने से पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, इसलिए स्टील लेडी ने रियलिटी में जल्दी जन्म ले लिया। इस वेबसाइट के अंदर नानासे के बारे में काफी सारी खुफिया इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें स्टील लेडी नानासे को हराना है तो इस अफवाह को हमें मिटाना पड़ेगा। साकी तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारे पास नानासे की मौत के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी और पीछे तकिए के नीचे कुछ फाइल पड़ी होती है। कोतो को एक जोरदार जंप आती है और फाइल पकड़ लेती है और कहते कि मुझे लगा ही था तुम्हारे पास कुछ ना कुछ काम की चीज तो जरूर होगी। साकी कहती कि ठीक है मैं तुम्हें इसके बारे में बताती हूँ। नानासे की बॉडी कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ी हुई थी, उनके ऊपर बहुत सारे लोहे के रॉड पड़े हुए थे। पुलिस का मानना था कि नानासे वहाँ पर स्मोकिंग करने के लिए आई थी। हो सकता है कि नानासे को किसी ने पहले ही बेहोश कर दिया हो और घसीटते हुए वहाँ पर ले गया हो और उनके ऊपर रॉड गिरा दी, लेकिन आखिर में इसे एक्सीडेंटली मौत ही कगार दिया गया। लेकिन नानासे की बहन ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और कोतो को कहती कि ठीक है उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मौत हुई थी और नेक्स्ट दिन वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और कोतो को कहते कि ठीक है अब मैं यहाँ पर मैजिक करने वाली हूँ और मैजिक करने के बाद कहते कि यहाँ पर कोई आने वाला है और वहाँ पर एक भूत आता है कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर। साकी भूत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं पर छुप जाती है और कोतो को कहते कि वर्कर क्या तुम्हें पता है नानासे के बारे में, और वर्कर कहते कि मैं नानासे को जानता हूँ। कोतो को कहते कि ठीक है मैं जानना चाहती हूँ उसकी मौत कैसे हुई थी। वर्कर कहते कि जब उसकी मौत हुई थी तब मैं यहीं पर था, वो स्मोकिंग कर रही थी और काफी ज्यादा डिप्रेशन में थी और बहुत सारे लोहे की रॉड उसके ऊपर गिर गई। मैं उसे बचाना चाहता था पर मैं ऐसा कुछ भी कर नहीं सकता था। कोतो को कुरो से चिपक जाती है और कहते कि मुझे पता है इस स्टील लेडी नानासे को हराने के लिए कुरो मेरे लिए 100% देगा। उसके बाद कोतो को और कुरो साकी को उसके अपार्टमेंट छोड़ते है और वहाँ से निकल जाते है। कोतो को कहते कि मैंने होटल में रूम बुक करके रखा है तो मेरे साथ सो सकते हो, लेकिन कुरो मना कर देता है। सीन चेंज होता है, साकी के साथ जो पुलिस ऑफिसर था उसके सामने स्टील लेडी नानासे होती है। ऑफिसर कहते कि मुझे पता है तुम कोई बंदे हो सरेंडर कर दो, लेकिन स्टील लेडी नानासे अटैक कर देती है। इस स्टील लेडी नानासे की उसी वेबसाइट के अंदर ये खबर छप जाती है, हाल ही में स्टील लेडी नानासे ने पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव को मार डाला। तो गाइस ये पूरा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में सारे सीक्रेट बाहर आने वाले है, जैसे कि उस वेबसाइट का क्या राज है और उस वेबसाइट का रियल ओनर कौन है और नानासे के डैड को मारने वाला कौन था। नानासे मर चुकी है तो उसकी स्पिरिट कहां पर है। हो सकता है कि स्टील लेडी नानासे ही असली नानासे हो, बस वो अपने काबू में ना हो। और सबसे बड़ा सीक्रेट, वो सीक्रेट यार नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय टाटा सी यू।